नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीटीएससी बिहार ने 24 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड। इन राज्यों के लिए बिहार के विभिन्न मार्गों से चलेंगी बसें। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में जीविका दीदी की हुई सराहना। वनडे सीरीज में कोहली, रोहित और बुमराह की होगी वापसी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी बिहार ने 24 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन ने IGIMS पटना के लिए विभिन्न डिसिप्लिन में असिस्टेंट डायरेक्टर के कुल मिलाकर 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रिलेवेंट डिसिप्लिन में MD, MS, MCH, DM की डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में जीविका दीदी की हुई सराहना। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में जीविका दीदी के कार्यों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की सराहना की गई। इसे लेकर बैठक दिल्ली में हुई। वहां राज्यों के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में उक्त दोनों योजनाओं की प्रस्तुति की गई। मेरी जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार के ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग के अधिकारी व इनके अलावा बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी शामिल थे। बैठक में जीविका के कार्यों को विस्तारित रूप में बताया गया, जिसमें कृषि यंत्रों के बैंक, ग्रामीण मार्ट, अस्पतालों और अन्य जगहों पर चल रही जीविका दीदी की रसोई और दहेज विरोधी तथा बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान आदि की जानकारी दी गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वैशाली के बारे में। इतिहास में वैशाली जनपद का नाम मशहूर हुआ था। यही वह जगह है जहां अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार में ही वैशाली स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मानी जाती है। वैशाली लिच्छवी शासकों की राजधानी रही है। महावीर का जन्म स्थान होने के कारण वैशाली में अवशेष स्तूप, कुटगारशाला, विहार, विश्व शांति शिवालय, राजाभिषेक टैंक, बावन पोखर मंदिर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव, कुंडलपुर आदि स्थित है, जहां पर्यटक घूमने जा सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व के होने के अलावा आज यह जिला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा बीते दिन यानी कि 8 जनवरी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं या मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बता दें कि एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जनवरी 2023 तक उपलब्ध रहेंगे। वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूलों के प्रमुख को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। वहीं स्कूलों के प्रमुख एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर छात्रों के हस्ताक्षर व मुहर के साथ छात्रों को उपलब्ध करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा की शुरुआत 14 फरवरी से हो रही है, जो कि 22 फरवरी 2023 तक चलेगी। बिहार में मार्च 2024 तक लगेंगे 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड। राज्य में 1.71 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और उससे संबंधित दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा 3 फेज के दौरान रखा गया है, जिनमें से अब तक इंस्टॉल किए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की संख्या लगभग 12 लाख है। मार्च 2024 तक बिजली कंपनियों द्वारा बिहार में 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड में से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 30 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड लगाए जाएंगे। इन राज्यों के लिए बिहार के विभिन्न मार्गों से चलेंगी बसें। बिहार से उड़ीसा, बिहार से झारखंड तथा बिहार से उत्तर प्रदेश के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता परिवहन विभाग के अनुसार हो चुका है। मार्च महीने में 140 से अधिक बसों का परिचालन बिहार के विभिन्न मार्गों से शुरू हो जाएगा। इस समझौते से 70 से भी ज्यादा अंतर्राज्यीय मार्गों के लोगों को सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इन रास्तों पर बसों का परिचालन बहुत कम होता था, इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में यदि बिहार के अलग अलग जिलों से इन जगहों के लिए बसों का परिचालन सेवा शुरू हो जाती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि लोगों को कहीं भी आने जाने में परेशानी न हो, इसलिए इस वजह से विभाग द्वारा समीक्षा बैठक के बाद इन खाली मार्गों को भरने का निर्णय लिया गया है।
फसल सहायता अनुदान के लिए 31 मार्च तक करे आवेदन। अक्सर बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसानों के फसल को नुकसान पहुंचता है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़, सुखाड़ या अन्य किसी कारणों से हुए फसल नुकसान की भरपाई बिहार सरकार किसानों को अगस्त सितंबर तक कर देगी। इसके लिए फसल सहायता योजना का पोर्टल सहकारिता विभाग द्वारा खोल दिया गया है। 31 मार्च तक किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिसे योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बनाया गया था, उस समिति ने रवि 2022-23 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आने वाले आच्छादित फसल की सूची को भी जारी कर दिया है। 11 जनवरी को होने वाला पंचायत उपचुनाव टला। नवंबर 2022 में ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग को पंचायत उपचुनाव कराने की अनुशंसा कर दी गई थी। बावजूद इसके निर्धारित समय पर अधिसूचना जारी नहीं हो पाया। अधिसूचना जारी नहीं होने पर 11 जनवरी से होने वाला नामांकन कार्य अब नहीं होगा। आपको बता दें कि इसे लेकर विभाग द्वारा मतदान कराने की तिथि 1 फरवरी 2023 को निर्धारित की गई थी। साथ ही साथ आयोग ने जिलों से रिक्त पदों की जिलेवार सूची की भी मांग की थी। अधिसूचना जारी होने के कारण पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम अब नए सिरे से जारी होगा। नए सिरे से कार्यक्रम जारी होने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। पटना मेट्रो के लिए अब तक 211 लोगों की जमीन मुआवजा देने योग्य। पटना मेट्रो के लिए लगभग 75 एकड़ जमीन के मुआवजा का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहाड़ी और रानीगंज में इसके जमीन अधिग्रहण का काम हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो निर्माण के लिए जिन लोगों के जमीन को अधिग्रहित किया गया है उनके मुआवजा भुगतान के लिए आवेदन लेने का काम शुरू हो चुका है। बीते दिनों समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में परियोजना में प्रगति की समीक्षा के दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि अब तक 211 लोगों की जमीन मुआवजा देने योग्य मिली है। उन्होंने पटना मेट्रो कार्य में प्रगति लाने के लिए भी निर्देश दिया है। राज्य में कोल्ड वेव अलर्ट जारी। बर्फीली पछुआ हवा की तेज से बिहार में ठंड और बढ़ रही है। इसी को देखते हुए पूरे जिले में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, फारबसीगंज, सबौर, मोतिहारी में भीषण शीत दिवस जबकि छपरा में शीत दिवस घोषित किया है। बता दें कि इन शहरों में अगले 2 दिनों में इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी सूबे में करीब 1 हफ्ते तक ठंड से विशेष राहत मिलने के आसार नहीं है। बोधगया के कालचक्र मैदान में 27 जनवरी से शुरू होगी 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव। बोधगया के कालचक्र मैदान में 27 जनवरी से 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसमें 6 पड़ोसी देशों के कलाकार अपना जलवा दिखाएंगे। इसके लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। बता दें कि डीएम डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान जिन 6 पड़ोसी देशों के कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे उनमें म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और इंडोनेशिया के नाम शामिल है। वहीं इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकारों के भाग लेने के संबंध में अंतिम निर्णय आज लिया जाएगा। बताते चले कि 27 जनवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाएगा। नदी के रास्ते पड़ोसी देश से हो रहा नशे का कारोबार। एसएसबी 45वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट सह द्वितीय कमान अधिकारी आलोक कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वी कोशी बांध के स्पर संख्या 1827 के पास नदी के रास्ते अवैध सामान की बड़ी खेप नेपाल से भारत लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार तथा अन्य 2 का नाकाद सीमा चौकी सिमरी घाट की तरफ से और उप निरीक्षक 1 आरक्षी 3 नरतनपुरा थाना की तरफ से कुल 8 जवानों का संयुक्त नाकादल चिन्हित स्थान पर पहुंचकर मुस्तैदी करने लगा। और इसी दौरान भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध रूप से नेपाल से भारत लाए जा रहे 444 बोतल नेपाली शराब जब्त करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवक का नाम विकास कुमार, जिसका उम्र 18 वर्ष है और सुपौल का रहने वाला है। तेजस्वी यादव ने जारी किया रेफरल पॉलिसी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पटना में एक कार्यक्रम में परिपाटी पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग के रेफरल पॉलिसी को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। बता दें कि रेफरल पॉलिसी लागू होने के बाद कोई भी बिहार का सरकारी अस्पताल अकारण किसी मरीज को किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब किसी मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भेजने के लिए रेफरल कार्ड देना जरूरी होगा। मालूम हो कि इस रेफरल कार्ड में मरीज से जुड़ी सारी जानकारी होगी, जिससे रेफर किए गए अस्पताल में उसका इलाज अच्छी तरीके से किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें, कई बार ऐसा होता था कि जिला स्तर पर बने सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक के होते हुए भी वहां से मरीजों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता था। इस स्थिति से उभरने के लिए रेफरल पॉलिसी की शुरुआत की गई है।
पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर फागू चौहान और नीतीश कुमार ने जताया दुख। बीते दिन बिहार के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में प्रयागराज में निधन हो गया, जिसके बाद उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने दुख व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन दुखद है। वे एक लोकप्रिय राजनेता एवं कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हमेशा संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की बात की। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी को सांस लेने में तकलीफ आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर है, जिन्हें जीटीवी पर अगले जन्मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के किरदार के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने महाभारत में अंबा और संतोषी मां में संतोषी की भूमिका निभाई। रतन ने 2006 में रावण के साथ टेलीविजन की शुरुआत की। राजपूत टेलीविजन श्रृंखला अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के अपने चित्रण के साथ प्रमुखता से बढ़ी और कई प्रशंसा अर्जित की। 2013 में रतन ने एक रियलिटी शो बिग बॉस 7 में भाग लिया और 28वें दिन बाहर हो गई। 2020 में लॉकडाउन के बाद रतन ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह अपनी यात्रा की कहानी साझा करती है। रतन लॉकडाउन वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और प्रमुख समाचार पोर्टल द्वारा कवर किया गया। इन्हें 2009 में जी रिश्ते अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स, इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स और 2010 में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार ने सिवान में जीविका दीदी से मुलाकात कर की कार्यों की समीक्षा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए चिन्हित किए गए वार्डो का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने समाधान यात्रा के दौरान पंचायत स्तर पर कई जीविका दीदियों से मुलाकात की और कुछ बातें की, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक सुपौल पंचायत में निरीक्षण करने के बाद सोनबरसा मदरसा में निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं बीते शाम 4 बजे नीतीश कुमार जिले भर के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बातें की और हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए। मंदार महोत्सव में इस बार ये कलाकार बिखेरेंगे अपना जलवा। जल्द ही बिहार के बांका जिला अंतर्गत बौंसी के मंदार महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महोत्सव को राजकीय मेला का भी दर्जा दिया गया है। वहीं इस बार इस महोत्सव में 3 दिनों तक कई कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी यानी कि इस महोत्सव के पहले दिन सारेगामा फेम राजा हसन अपने गानों से दर्शकों को झुमाएंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर सुमित श्री बाबा पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान से सम्मानित गायक का भी जलवा दर्शकों को सुनने और देखने को मिलेगा। वहीं इस महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि 15 जनवरी को पटना के कॉमेडियन आरके चंदेल, बांका के शंभुगंज की गायिका रत्ना प्रिय मुख्य रूप से शामिल होंगे। इसके साथ ही 16 जनवरी को नालंदा के संगीत कला विकास संस्थान के रंजीत कुमार, बांका के भजन व गजल गायक मुन्ना लाल शर्मा समेत कई कलाकारों का कार्यक्रम होगा। घूमने निकल रहे हैं बाहर तो मोबाइल फोन की सेटिंग ऐसी रखें। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें यदि आप पहले से मोबाइल फोन में सेव करके चलते हैं तो आपको सफर में परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह यात्रा कर रहे हैं जहां लैंडस्लाइड या आपदा आने का खतरा बना रहता है, तो मोबाइल फोन में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। यदि ये फीचर आप ऑन रखेंगे तो आपको पहले से ही वार्निंग आदि मिल जाएगी। सफर में निकलने से पहले अपने स्मार्टफोन में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की जानकारी जरूर सेव करें। इससे जरूरत पड़ने पर आपको बचाया या परिवार को संदेश समय पर दिया जा सकता है। यात्रा पर निकलने से पहले आप लोकल अथॉरिटी, होटल या लोकल पुलिस का नंबर मोबाइल फोन में सेव कर लें। गूगल मैप यूजर्स को मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा देता है। अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं या किसी पहाड़ी पर ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो ऐसे में ऑफलाइन मैप आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके साथ ही फाइंड माई फोन ऑप्शन को जरूर ऑन करके रखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने गृह राज्य में पदयात्रा करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे बड़े लोग हैं, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर है, मेरे लिए किलोमीटर मायने नहीं रखता। मैं अक्टूबर से बिना रुके चल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी शारीरिक फिटनेस को सबूत के रूप में दिखाना नहीं चाहता। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नए साल के दौरान मेरे लिए कोई ब्रेक या मेरे घर जाने के लिए समय नहीं है। मैंने अपने अभियान में इरादे की पवित्रता को बरकरार रखा है।
बीते दिन भागलपुर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। बीते दिन रविवार को भारत जोड़ो यात्रा भागलपुर पहुंची, जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी भक्त चरणदास, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह एवं बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा में हर जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग भाग ले रहे। धार्मिक तनाव भाजपा के लोग फैलाने का प्रयास कर रही है, न महंगाई की बात कर रही है और न बेरोजगारी की। यह यात्रा किसानों के अधिकार एवं जल जीवन एवं जंगल की रक्षा के लिए। आज देश का युवा, माँ, बहने, किसान, मजदूर, श्रमिक अब कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इस यात्रा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि भाजपा के इस अन्यायपूर्ण शासन से कांग्रेस ही निजात दिलाएगी। इस यात्रा ने कांग्रेस को नई पहचान दी है। इस यात्रा से कांग्रेस की जमीन मजबूत हो रही है और 2024 भाजपा की पूरी तरह सफाया हो जाएगा। दानिश रिजवान हुए जीतन राम मांझी की पार्टी से बाहर। गंभीर आरोपों में घिरे हुए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान पर जीतन राम मांझी के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान जीतन राम मांझी की पार्टी के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर वह दोष मुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते गुरुवार को दानिश रिजवान को झारखंड के पुलिस के द्वारा रांची की चर्चित महिला पुलिस सुषमा बड़ाइक पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को देखते हुए जीतन राम मांझी के द्वारा दानिश रिजवान के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को बताया साथी। बीते दिन बीजेपी के प्रवक्ता और नेता निखिल आनंद ने ट्विटर पर प्रशांत किशोर का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें उनके ही बयानों पर घेरे में लेने की कोशिश की। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या पॉलिटिक्स है भाई, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का दो जिस्म और एक दिमाग है। उन्होंने आगे लिखा कि पीके के दो बयान पर गौर करें, आज भी एक फोन करेंगे नीतीश कुमार को तो हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी को भस्मासुर के रूप में स्थापित कर नीतीश जी अपनी प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, इससे बढ़िया तो वही थे। दरअसल निखिल आनंद का मानना है कि अंदर ही अंदर जो नीतीश के मन में चलता है, पीके के दिमाग में भी वही दौड़ता है। वनडे सीरीज में कोहली, रोहित और बुमराह की होगी वापसी। श्रीलंका के खिलाफ 2-1 से T20 आई सीरीज जीतकर साल की धमाकेदार शुरुआत करने वाली टीम इंडिया अब 10 जनवरी से 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया के लिए सीरीज कई मायनों में खास है। इस सीरीज में न केवल लंबे वक्त बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे बल्लेबाज भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। ये तीनों T20 सीरीज में नहीं खेले थे, रोहित शर्मा चोट के कारण, जबकि विराट कोहली और KL राहुल ने इस सीरीज से ब्रेक लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज 10 से 15 जनवरी के बीच खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम की कप्तान रोहित शर्मा के पास है, जबकि हार्दिक पांड्या को पहली बार रोहित की उपस्थिति में उपकप्तान बनाया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में मुंबई पहुंचे। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1879 में हुआ। भारतीय चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में हुआ था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपकू आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म 1934 में हुआ। भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक फरहान अख्तर का जन्म 1974 में हुआ। भारतीय टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म 1983 में हुआ। भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का 1945 में निधन हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व कवि कमर जलालाबादी का 2003 में निधन हुआ। वायल खबर में आज हम बात करेंगे बैंक नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बैंक नोट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि आप बैंक नोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य हो जाता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं है और वैध मुद्रा बने रहेंगे। स्वच्छ नोट नीति के तहत लोगों से अनुरोध है कि वे करेंसी नोटों पर न लिखे, क्योंकि यह उन्हें विरूपति करता है और उनके जीवन को कम करता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंबिका कर्ण, नुन्नू गोलू कुमार, दयानंद यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, रुपेश कुमार, अभिषेक कुमार रॉय, सदुल्ला पलवी, मृत्युंजय कुमार, शमसाद अहमद, अंजना मिश्रा, सौरभ कुमार, ऋषि कुमार, जसवंत कुमार, विकास दास, कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।